प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पर देवो इतने सालों बाद यहाँ एक सिल्वर क्लब खुला है। अरे हाँ, उसका ब्रोशर घर पे भी आया था। अरे मैं उसी क्लब में जॉब करता हूँ और इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। आहा, तो तुम अपनी क्लब के ओपनिंग में मुझे ऐसा चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, राइट? एक्चुअली इट इज अ गुड आइडिया। अगर तुम एज अ चीफ गेस्ट आती तो अच्छा होता। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। बट आई एम सीरियस, अगर तुम आती तो लोगों को ऐसा लगता कि वाकई में कोई बहुत बड़ी मॉडल आई है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हां मिस्टर देबू, वैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली हमारे क्लब में स्विमिंग मेंबर्स के लिए कोच की जरूरत है। लेकिन मिस्टर देबू, मेरे को तो इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं है। अरे नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, मैं लेडीज मेंबर के लिए कोच की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी बबीता, तुम इंटर कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हो, तीन तीन बार गोल्ड मेडल जीता है तुमने, तो तुम एज अ स्विमिंग कोच हमारा क्लब ज्वाइन करोगी? इल्ले इल्ले, इट इज नॉट पॉसिबल। बबीता को जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट अगर मैं क्लब ज्वाइन करती तो मुझे एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो मैं पक्का समझू बबीता? एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे क्लब में आती हूँ और फिर आके डिसाइड करती हूँ कि मुझे ऐसा कोच वहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है? ओके देन। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बापूजी के लिए बढ़िया चप्पल दिखाइए। हाँ, कौन सी टाइप की चप्पल लेंगे? देखिए चप्पल के वहाँ पे सब पैटर्न से वहाँ। हाँ वो दूसरी लाइन में वो काले रंग की है ना? समझ गया, एक 32 लो का अंगूठा पट्टी है। हाँ। बहुत बढ़िया डिजाइन, एकदम कंफर्टेबल है बापूजी के लिए। हाँ ये अच्छी है, कितने की है भाई? अरे आपको पसंद है ना बापूजी, भाव क्या पूछ रहे भाई, ये दे दो। हाँ। और बाबूजी एक ही लेनी है? नहीं दूसरी भी लूंगा ना। नहीं भाई दूसरी का? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब एक ही जोड़ी लेनी है। और कितनी जोड़ी लेनी है? एक और जोड़ी ले लो। क्या नहीं, वापस अगर मुझसे आपकी चप्पल टूटी तो प्रॉब्लम नहीं ना? तूने ये दुकान तो देख ली है ना? हाँ। ये चप्पल भी देख ली ना? हाँ। तो आइंदा अगर तुझसे मेरी चप्पल टूटे तो सीधा यहाँ चले आना, ऐसी दूसरी नई चप्पल खरीद के चुपचाप मेरे कमरे में रख देना। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तूने मेरी चप्पल तोड़ी है, समझा? समझ गया बापूजी। आप कुछ नहीं लेंगे? हाँ हाँ भाई चाहिए ना, कुछ दिखाओ मुझे भी। रिबॉन 28411। एक मिनट भाई साहब, ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रबाउन लोका ये सब क्या? रिबॉन यानी ब्राउन, लोका यानी काला, ये हमारी टबू की भाषा है। टबू की भाषा? टप्पू नहीं, टबू टबू बूट टबू, हमारे में सब उल्टा बोलते हैं। अच्छा साहब, यार इनके ये बूट के धंधे में सब उल्टा बोलते। क्यों ऐसा उल्टा क्यों बोलते हैं? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पिताजी ऐसे ही बोलते थे। अच्छा पिताजी बोलते थे, हाँ तो ठीक है। अच्छा अच्छा है। दे भाई। हाँ देखे सब
भाई, ये तो लेडीज है। आपने भी तो लेडीज चप्पल पहनी है। अरे भाई मैंने तो मजबूरी में पहने है, और ये चप्पल लेना तो मुझे बूट बूट देखा जूता बिगर लेस का। एक मिनट मैं देखा भी इधर अभी थोड़ा मुझे देखो नीचे से दूसरा लाइन है ना उसमें वो तीसरा जो जूता पड़ा है वो समझ गया। हाँ वो दो लोका 28301। देखिए सर हेलो। एक मिनट भाई ये तो पैर ही अंदर नहीं जा रहा, बहुत छोटा है। एक साइज बढ़ाने ना भाई। हाँ देखिए सर एक एक हाँ बराबर है सर। नहीं ये तो बहुत बड़ा है, देखो ये पूरा उंगली जाता है पीछे। अच्छा दिखाइए तो। अरे ये तो 9 नंबर है। अरे भाई 8 नंबर दे, आपको 8 नंबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, मेरा 8 नंबर है भाई, मैं 8 नंबर का जूता ही पहनता हूँ। हेलो बोलो नाटू काका। सेठ जी कहाँ तक पहुँचे, आप अभी तक आए नहीं? अरे भाई बस रास्ते में पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ अरे भाई हाँ जरा कितना हुआ? 1800 और 400 2200। जरा फटाफट बिल बनाओ ना और दे दो, मेरे को लेट हो रहा है जरा। हाँ अरे भाई बिल बनाओ। चलो 2200 ले लो भाई। सॉरी सर 8 नंबर स्टॉक में नहीं है, आप अपना पता दे दीजिए मैं भिजवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं ओ रहने दो, एक काम करो बाबूजी का चप्पल का ले लो आप 400 रुपया, 1800 रिफंड दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। बिल बन गया अब रिफंड नहीं मिल सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपने मुझे जूता भिजवाया होता और वो खराब निकला होता तो रिफंड देना ही पड़ता ना। तो बदली कर देता ना। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, मैं हमारी दूसरी दुकान से मंगवा कर 1 घंटे में आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ। अरे देखा दे देना भाई दुकान का पता, वो बोल रहा है ना तो 1 घंटे में भेज देगा। तब तक बाबूजी मुझे वापस लेडी चप्पल में घूमना पड़ेगा। अबे कहाँ बेगा घसर को डालने में, क्या मुसीबत है भाई। चलो भाई ये एड्रेस में भेज देना। गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे ये तो नट्टू काका की दुकान है ना? ये मेरी दुकान है, नट्टू काका मेरे इधर काम करते हैं। मैंने आपकी दुकान देखी है, पहुंचा देता हूँ मैं। या चाहे भाई लोका 32701। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बोलिए साहब, क्या खरीदना चाहेंगे आप? मोबाइल, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? अरे हम व्यापारी मंडल के मेंबर हैं, अपने इलाके के नगर सेवक के लिए हमने सम्मान समारोह योजा है, इसके लिए हम चंदा लिखवाने आए। लाओ बोलो कितना लिखो आपका? 3000 4000 5000। लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने सेठ को फोन कर पूछ लीजिए। हाँ हाँ ये आइडिया अच्छा है। चल मैं जा रहा हूँ देना सर। हाँ हाँ आ रहा हूँ नटू काका, आ रहा हूँ भाई। सेठ जी व्यापारी मंडल के लोग आए हैं, वो अपने एरिया के नगर सेवक जी का सम्मान करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपनी दुकान की तरफ से कितना चंदा लिखवाऊं? 3000 4000 5000। 1 रुपया मत देना, हमारे एरिया में कुछ काम तो करते नहीं और चंदा कहीं का चाहिए। लेकिन ना बोला ना नटू काका, ना मतलब ना। अरे भाई चलो चलो चलो। सॉरी सेठ जी ने मना कर दिया। देखिए अपने एरिया में से हर व्यापारियों ने चंदा लिखवाया है, देखो ये हिरजी भाई, वीरजी भाई, महेश भाई। हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये रसीद बुक यहाँ रख के जाता हूँ, आप अपने सेठ जी को दिखाइए, मैं 1 घंटे के बाद वापिस आता हूँ। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए क्या खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, कलर टीवी? जी मैं जॉनी मल्होत्रा साहब का मैनेजर। जॉनी साहब आइए 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 बैठिए, कहिए क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? ठंडा। अच्छा हाँ
अच्छा देखो भाई, गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ठंडा जल्दी भेजिए। क्या भाई, क्या 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 देख के हंसी आ रही है? ये लेडीज चप्पल मैंने पहना, वो देख के हंसी आ रही है? अरे मैं लेडीज ड्रेस भी पहनू, तुमको उससे क्या? अरे अभी भी हंसा। निकलो निकलो इधर से, निकलो चलो। जी मेरी बात सुनिए, तुम निकलो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम निकलो चलो चलो। सिद्ध जी लेकिन, अरे क्या सिद्ध जी, सुनिए। अरे क्या सुनिए, जाना दो उसको। अरे सिद्ध जी आपने क्या नर्थ कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। नुकसान नहीं नडू का फायदा, कम से कम 3-4 हजार रूपए चंदा देना पड़ता है इसको। अरे सेठ जी वो चंदा मांगने वाला नहीं था, वो तो मल्होत्रा सेठ का मैनेजर था, LCDV का ऑर्डर लिखवाने आया था। अरे रोको रोको उसको रोको। अभी क्या आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो रिक्शा पकड़ के चला भी गया। नटो काका आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चंदा मांगने वाला नहीं है? अरे लेकिन आपको ऐसा लगा क्यों कि वो चंदा मांगने वाला था? अरे वो रसीद बुक काउंटर पर पड़ी हो देख के। अरे वो रसीद बुक तो व्यापारी मंडल वाले छोड़ गए हैं आपको दिखाने के लिए कि किन किन व्यापारियों ने कितना चंदा लिखवाया। ठंडा नहीं जा भाई, लेकर जा वापस। क्या साहब, आपके यहाँ तो ऑर्डर देने से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अरे चल ना भाई, ज्यादा सुना मत ना। ठीक है चल चल लेके जा। ठीक है पैसा? अरे वापस करे फिर, पैसा काहे का चाहिए? लेकिन सब बोतल का ढक्कन तो खोल के लाए ना। तो किसको पूछ के खोला ढक्कन? सेठ जी बंद बोतल कैसे पी सकता है, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना। तो दे दो उसको पैसा अभी। ठीक है। अरे भाई तेरे कितने पैसे हुए? भगवान क्या दिन की शुरुआत हुई, आज कौन से मुहूर्त में मैं उठा हूं, एक काम सही नहीं हो रहा है। मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड प्लस सिलिकॉन डाइक्लोराइड। मैं जरा सिल्वर क्लब जा रही हूँ, तो मेरे लिए काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। सुनीता जब आएगी तो उससे आधा किलो टमाटर ले लेना प्लीज। बबीता मैं टमाटर लेने जाऊंगा? अरे तो क्या हुआ, वैसे भी सुनीता 2-3 दिन में एक ही बार आती है। और देखो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश टमाटर उत्तपम के लिए टमाटर मंगा रही हूँ। बबीता वो सब ठीक है, लेकिन मैं सोसाइटी में टमाटर लेने जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक क्यों उड़ाएंगे, जिनकी पत्नियां बाहर काम के लिए जाती है उन पतियों को तो थोड़ा बहुत मदद करना ही पड़ता है ना। और हमारे भीरे भाई को ही देख लो, वो माधवी भाभी की कितनी मदद करते है। ओके बबीता मैं टमाटर ले आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। बोलो साइंटिस्ट टमाटर लेने जाएगा। ए मुलानो जरा सांभळून खेळ की। बचेरो ध्यान से खेलना चाहिए ना। अरे पापा, अरे पापा क्या ध्यान से करो। अरे बच्चों जरा ध्यान से खेलो, किसी को लग जाता तो। एक काम करो, हमारा सब्जी खरीद कर हो जाए ना, फिर खेलना शांति से। बराबर है। अनीता सब्जी ताजी है ना? नहीं बासी है। क्या ये सब्जियां बासी है? हाँ अंजलि भाभी सब्जियां कल की है। तू हमें कल की सब्जियां देती है? रोज ऐसी ही सब्जी आती है। मतलब तू रोज हमें उल्लू बनाती है? नहीं नहीं दया भाभी, सब्जियां क्या मैं डायरेक्ट खेत से नहीं लेके आती, आते आते एक दिन लग जाता है। बाहर गांव से आती है ना सब्जियां, तो सब्जियां बासी हुई कि नहीं? तुमने तो हम सबको डरा दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। आया
आधा किलो टमाटर देना। अयो भाई टमाटर आधा किलो तो नहीं है, पाव किलो है, चलेगा? तो फिर पाव किलो ही दे दो। हाँ। देखो कुछ खाने के लिए ही भागा होगा। क्या अंकल अब इधर कैसे? ये लीजिए आयर भाई। कितना हुआ? 15 रुपया। क्या 15 रुपए? अरे अनिता ये अय्यर भाई को देख के भाव बढ़ा दिए। तुम्हें क्या लगता है अय्यर भाई रोज नहीं आते तो तुम क्या उनको उल्लू बनाओगी? अरे नहीं नहीं दया भाभी। तो अभी देखो ठंड के सीजन में बारिश गिर गया इसलिए सब सब्जियां महंगी हो गई है। ओ अच्छा अच्छा अय्यर भाई बबीता जी की जगह आज आप कैसे आ गए सब्जी लेने के लिए? दया भाभी बबीता को अर्जेंट काम से बाहर जाना था इसलिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा हाउ स्वीट। याला ले लो पैसे। अरे मेरा टमाटर किधर गया? गोली एकदम पापा पे गए हो तुम। सही बात है। अरे हाँ माधवी भाभी सही ही बात है। अरे यार तुमने क्या किया? अब मैं बबीता को क्या बोलूंगा? अंकल तो बोल देना कि टमाटर नहीं मिले। वाओ फैंटास्टिक फूल यार। थैंक्स बबीता। यहाँ तुम्हें सिर्फ लेडीज मेंबर्स को ही कोचिंग देनी है। हाँ पर यहाँ जेंट्स भी स्विमिंग के लिए आते होंगे ना? नहीं 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 जेंट्स स्विमिंग के लिए आते हैं पर 1 से 3 बजे के बीच में नहीं, उस वक्त सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। ओके गुड देन। बबीता वो देखो वो यहाँ की लेडी गार्ड है ज्वाला। Trust me on that, इनके होते हुए यहाँ कोई जेंट्स मेंबर नहीं आ सकता। Is it? Yeah. Okay. Hello? बबीता जी जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाय जेठा जी बताइए। सॉरी हाँ वो मैं सुबह बापू जी ने बुला लिया तो घाई घाई में निकल गया। No, no, it's okay. अच्छा वो जो भाई साहब पता ढूंढ रहे जिसको मैं लेके आया था आपके घर पे वो कौन आपका कजिन भाई था? कौन देवू? नहीं नहीं वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ मुझे लगा ये क्योंकि क्या आप दोनों का फेस ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था ना। उसका फेस का थोड़ा त्रिकोण था और आपका तो एकदम परफेक्ट फेस है। भगवान ना फुर्सत में बनाया आपको एकदम है। जेठा जी मैं आपसे जरा बाद में बात करूं थोड़ी बिजी हूँ। अरे सॉरी सॉरी आप बिजी है कोई बात नहीं हम बाद में बात कर रहे हैं बबीता जी। ओके थैंक यू बाय। ओके थैंक यू। कॉलेज का दोस्त इतने सालों बाद अचानक कैसे याद आ गई कॉलेज के दोस्त को? या भाई बहुत बड़ी सॉरी मल्होत्रा भाई। अरे नहीं नहीं वो मिस्टेक क्या हो गया मैंने उसको गलती से वो चंदा मांगने वाला बहुत परेशान कर वो मिस्टेक हो गई। सॉरी उसको भेजो भेजो मैं इधर ही हूँ और मेरी तरफ से खास उसको सॉरी बोलना इधर आएगा तब तो बोलूंगा ही लेकिन आप भी बोलना प्लीज। हाँ सॉरी ओके ओके चलो हर्ष। क्या टेल मी बबीता यहाँ पे कोचिंग देना पसंद करोगी? देवू यस मैं कोचिंग दूंगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा बबीता ये क्लब नया है अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को मेंबर बनना हो तो मुझे बताना मैं उसे क्लब की तरफ से 50% डिस्काउंट दिलवाऊंगा। इज इट प्रॉमिस? ओके ग्रेट देन जस्ट अ सेकंड। या श्योर। हेलो अंजलि भाभी इज बबीता हियर। अरे बबीता जी कैसे हो आप? एक बहुत एक्साइटिंग बात है तुम्हें आप सबसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। अच्छा क्यों कोई खास बात? अंजलि भाभी आप सबको घर पे बुला लीजिए मैं वहीं पे आके बताती हूँ। ठीक है तो एक काम कीजिए 1 घंटे में आप मेरे घर आ जाइए तब तक मैं सबको यहाँ बुला के रखती हूँ। ओके थैंक यू बाय बाय। डन। लीजिए बबीता जी बन गई है स्विमिंग कोच और उन्होंने प्लान किया है गोकुल धाम की महिलाओं को स्विमिंग सिखाना
अब सोचिए तो, गोकुल धाम की महिलाएं जो आज भी थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, उन्हें स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार करना मतलब बिना हवा के पतंग उड़ाना, और उनके पतियों को तैयार करना मतलब फटी पतंग को उड़ाना। खैर, इन सब चीजों को मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। न जाने कौन सी हवा कब तूफानी हो जाए, न मैं जानता हूँ ना आप, लेकिन एक बात तय है कि ये जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।